चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे वाह मोमो, अरे बड़े मजे का लतीफा है, सुनोगी? मुझे कोई लतीफा नहीं सुनना। क्या बात है मोमो, तुमने मुंह क्यों फुलाया हुआ है गुब्बारे की तरह? मसूद, आपको मेरी वो सहेली याद है जिसके घर हम पिछले महीने खाने पर गए थे? बड़ी खूबसूरत औरत है वो। मुस्तकीम, रजिया आपकी बहनों की तरह है। कौन रजिया भाई? तुम्हारी सहेली का नाम तो यास्मीन था। हाँ हाँ यास्मीन, वो चली गई दिलावर, वो चली गई। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। कब इंतकाल हुआ उसका? यास्मीन जिंदा है शोहर। अरे तुमने तो अभी कहा है कि वो चली गई। वो अपने मियां के साथ वर्ल्ड टूर पे गई है। नहीं महमूद। हाँ वो अपने महमूद के साथ वर्ल्ड टूर पे गई है। काश वो महमूद के साथ ही जाती। मुझे घूमने जाना है बस। हाँ तो चलो तैयार हो जाओ। बुशो बुशो, मैं अभी सामान पैक करूँ। अरे सामान क्यों पैक कर रही हो भाई? ये इतवार बाजार तक तो जाना है मुझे अपनी बनियान लेने के लिए। मैं बनियान लूंगा, तुम वहाँ घूम फिर लेना। जुल्फकार, मैं अतवार बाजार नहीं वर्ल्ड टूर जाना चाहती हूँ। मेरे नुसा की तरह वर्ल्ड टूर? अरे तुम्हें पता है वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? कितने? बहुत सारे, और मेरे पास तो इतने से भी नहीं है। उफ, किस कदर गरीब आदमी से मैंने शादी कर दी। मुँह आपका मसूद। मोमो मेरी बात तो सुनो। नहीं। अरे सुनो तो सही मोमो। नहीं। अरे मोमो मैं ये कह रहा था कि नहीं। अरे मोमो मोम मोमो मान जाओ ना। अरे उसका थूक भी दो। माँ जी यहाँ ना थूके प्लीज। ओ माँ जी क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में हैं आप? अरे तुम्हारी माँ मुझसे गुस्सा है भाई। माँ जी मुझे बताएं आप क्या किया इस बड़े मुंह वाले ने? अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, तुम्हारी माँ को वर्ल्ड टूर पे जाना है। यार दिल तो मेरा भी बड़ा चाह रहा है वर्ल्ड टूर पे जाने को, क्यों जानू क्या ख्याल है? हाँ, शौक से जाओ। तुम भी चलो ना जानू, आखिर ये वर्ल्ड टूर जो है तुम्हारे पापा ने तो स्पॉन्सर करना है। What? वर्ल्ड टूर मेरे पापा स्पॉन्सर करेंगे? वैसे इसका भालू जैसा पापा काम हो अरे बहुत आता है। एक्सक्यूज मी माँ जी, मैं अपने पापा से वैसे नहीं मांगूंगी। क्यों जानू, उनकी बेटी वर्ल्ड टूर पर जाएगी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उनकी बेटी अकेली नहीं, पूरे ससुराल के साथ वर्ल्ड टूर पर जा रही है। अरे भी खूबसूरत, हम वहाँ तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें कंपनी देंगे। क्यों मोमो? नहीं जी, मैं अपनी कंपनी ना इस चुड़ैल को नहीं दूंगी। ओ जानू ज्यादा ना करे, मत करो यार, पापा इसे पैसे मांगो। मेरे पापा 3 महीनों के लिए टूर पे गए हैं। मेरा ससुर यानी बेबी एलिफेंट मेरे पैसों पर टूर पे गया हुआ है। मेरे पैसे? हाँ जानू, उनके मरने के बाद मेरे ही होंगे ना। तो क्या इसके अब्बे के मरने के बाद हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे? अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी यार। और नहीं भाई, हम सब वर्ल्ड टूर पर जा कर रहेंगे। होशाबाशी, तो मैं पैकिंग कर लूं। अरे रुको तो भाई नबील, ये वर्ल्ड टूर हमारा जो है ये स्पॉन्सर कौन करेगा? वन एंड द ओनली शेर खान। अरे शेर खान अब हमें पैसे नहीं देने वाला, और वैसे भी उसकी शादी के लिए हमें लड़की ढूंढनी पड़ जाती है यार। अरे इस बार ऐसा नहीं होगा महमूद साहब, मेरे पास एक ग्रैंड प्लान है। सुनो 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 सुनो, देखो करना ये है, आज अंदर चल के शेर खान को फोन कर। आज वो जल्दी से शेर खान को फोन मिलाएं। यार आप लोग एक बार फिर सोच लें इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले। और कुछ नहीं होता जानू, अरे ये तो बचपन का झूठा है। हेलो गीदड़ खान बोल रहे? भाई गीदड़ खान नहीं, शेर खान। शेर खान तुम कौन बोल रहे है? हाँ जी मैं बाबर शरीफ बात कर रही हूँ। क्या खुदा, बाबर शरीफ ने हमको फोन किया है? यकीनन तुम हमारे साथ शादी बनाना चाहती है ना? ओए पुत्र, ये चोरा तो मुझसे शादी की बात कर रहे। ओ मुझे दे माँ जी। हेलो शेर खान, मैं नबील बात कर रहा हूँ, बुलबुले वाला खोए वाला मलाई वाला। हाँ नबील बोलो। शेर खान तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। क्यों?
तुमने हमारे शादी के लिए कोई लड़की बड़की ढूंढी है? ओ शेर खान, हर वक्त शादी की बातें ना किया कर। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्लान है कारोबार का। बस तुम एक काम करो, जितना पैसा तुम्हारे पास पड़ा है ना, ले आओ, डबल करके वापस दूंगा। भाई यार, पर छोड़, पहले हमारे को प्लान तो बताओ, प्लान क्या है? प्लान प्लान तुम्हें महमूद साहब बताएंगे। महमूद साहब बताएं से प्लान। हेलो शेर खान। वे महमूदा, अभी हमारे को बताओ क्या प्लान है यार तुम्हारा? अरे बड़ा जबरदस्त प्लान है शेर खान। हम लोग ना एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा शेर खान हाउसिंग सोसाइटी, और इसमें हमें करोड़ों रुपए का फायदा होगा। वाह महमूदा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया है। अभी हमारे को अगर पैसा कम भी पड़ा तो हम अपना पहाड़ बेच देगा, और बाकी का प्लान हम उधर आके तुम्हारे से सुनता है। बस तुम फोन रखो, हम इधर चलता है। ओके ठीक है शेर खान, खुदा हाफिज। आ रहा है अगले दो घंटों में पैसे लेकर। शेर खान, ये चीज मेरे अजीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज। आ गया भाई, आ गया शेर खान, आ गया शेर खान, आ गया शेर खान, तेरा इंतजार था। ओ यार ऐसा करो, जल्दी चलो, इस पे सारा नोट मोट भरा है और हमारे को थोड़ा खतरा लग रहा है। तो मुझे पकड़ाओ ना नोट वोट। खबरदार, अच्छा तुमने अपना गंदा नजर इस पे डाला। नहीं डालेगा, नहीं डालेगा, आज वो शेर खान, आज वो। अब जरा हमारे को तफसील से बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। अरे शेर खान आराम से बैठो तो सही, बताते हैं, बैठो। शेर खान, इस बार हम तुम्हारा पैसा डबल करके देंगे तुम्हें लेके जाने के लिए। यार तुम्हारे दफा हमारे को टोपी पहना थे, ये पिछली वाली टोपी है। हाँ यार यही वाला यार। अरे नहीं शेर खान, इस दफा हमारा प्लान जो है वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, हम आपके नाम पे एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे और प्लॉट खरीदेंगे। प्लॉट? मैं भी एक प्लॉट खरीदूंगी कफील। अरे उस सोसाइटी का फॉर्म ही हम 20,000 रुपए में बेचेंगे। यार मगर हम ये सोसाइटी बनाएगा किधर यार? शेर खान, जमीन देख ली है, बस पैसे देने हैं। यार पैसा तो हम लेकर आए हैं। वाह शेर खान वाह। जानू तुम हम सब के लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो, हम लॉन में जाके डिस्कस करते हैं। नबील तुम जरा मेरे साथ कमरे में आना। जानू ये कौन सा रोमांस का टाइम है यार? नबील ओके, जानू बहुत प्यार करती है ना मुझसे खान साहब, मैं जरा भी आया हूँ। बहुत बहुत चोरों का गुलाम ना हो तो। ओ क्या हो गया जानू यार, इतना इम्पोर्टेंट प्लान डिस्कस कर रहे थे यार। नबील मैं तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलने दूंगी, अगर शेर खान को जरा भी भिनक लग गई ना तो वो तुम्हें जान से मार देगा। ओ जानू, शेर खान को भिनक लगने से पहले हम लोग वर्ल्ड टूर पे जा चुके होंगे। वाओ, मैं तो अब्रॉड जाके खूब शॉपिंग करूंगी नबील। हाँ हाँ जानू, आराम की कमाई से खूब शॉपिंग करना तुम। पता है मुझे शेर खान पे तरस भी आ रहा है बेचारा। और जानू खुदा का तुम्हें वास्ता, अब शेर खान को गोद मत ले लेना। शट अप नबील। जानू तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें इतनी अय्याशी तुम्हारे मोटे पापा ने नहीं कराई होगी जितनी मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। मेरे पापा से मुकाबला नहीं कर सकते नबील। और जानू उस बेबी एलिफेंट से कौन मुकाबला कर सकता है? वो तुम्हारे भी पापा है नबील। अगर वो मेरे पापा होते ना तो मैं जहर खाकर जान दे देता अपनी। हाँ, वो जहर भी उन्हीं के पैसों से आता। खूबसूरत, तुम मुझे बेइज्जत कर रही हो, ये मत भूलो कि कुछ ही घंटों के बाद मैं करोड़पति होने वाला हूँ। ओके फाइन। वाह लालची औरत वाह। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं भी शेर खान को जमीन दिखाने जा रहा हूँ। कौन सी जमीन? अरे उसका जुगाड़ भी है मेरे पास जानू। हेलो, ओ यार तूफान खान, ओ हम अपने नाम से एक हाउसिंग स्कीम बना रहा है, तुम हमारे लिए आठ व दुल्हन ढूंढो तो हम तुमको एक प्लाट फ्री में देगा। और ठीक है, ओ खुदा पैमान। यार शेर खान, अब तो तुम जमीन देख आए हो, कैसी लगी तुम्हें? ओ यार जमीन तो जमीन जैसा लगा है, लेकिन इसका कागजात मागजात तो दिखाओ ना यार। कागज कागज तो रखे है ना तिजोरी में संभाल के। तिजोरी में? वो कहाँ है तिजोरी? तिजोरी बावर्ची खाने में। यार बावर्ची खाने में
बेवर्चखाने में कौन रखता है? ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, शेर खान अब तो शहर का बच्चा बच्चा शेर खान सोसाइटी का नाम लेगा। और हम पे पैसों की बारिश होगी बारिश। मुझे ना फिर तुम्हारे को छतरी वतरी का बंदोबस्त भी कर लेना चाहिए ना यार। ओ यार शेर खान हम अयाशी करेगा। अयाशी? हम अपना हाउसिंग स्कीम शुरू करते ही आदमी शादी करेगा और अपने दुल्हन के साथ उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। यार वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि पैसे आने के बाद दूसरी शादी करे लो भाई, आखिर इस सोसाइटी पे मेरा भी कोई फर्ज बनता है। नमाज साहब, आस्तीन के सांप। साहब वो किधर है? वो किधर है सांप? ये रहा मेरे बराबर में बैठा उड़ने वाला सांप। नवेल अभी तो पैसा आया नहीं है और तुमने अभी से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, नीले पीले लाल गुलाबी। यार रंग से याद आया, हमारा बिल्डिंग का रंग कैसा होएगा? ओ यार शेर खान आप बताओ आप कौन सा रंग करवाना चाह रहे हो? हम अपने बिल्डिंग में लाल रंग करवाएगा। शेर खान तेरे मुंह की तारीफ नहीं है, शौकीन आदमी है शेर खान। हाउसिंग सोसाइटी का अगला प्लान मैं तुम्हें लॉन में समझाऊंगा। माँ जी खूबसूरत लॉन में आ जाओ सब, कूड़े दे पालो काट के दे सच भाड़ो लाटिया। ये भी आप सब देखें, शेर खान हाउसिंग सोसाइटी। हाँ इतनी सी? अरे मोमो ये सिर्फ नक्शा है। सच कहें शोध, हमारे घर में खजाना दफन है क्या? ओ माँ जी ये खजाने का नहीं, हमारी हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा है। तो फिर जल्दी से बता दें कि मेरा प्लॉट कहाँ होगा। मुझे तो सी फेसिंग लोकेशन चाहिए नबी। वो क्या होता है? अरे जहाँ से समंदर नजर आता है। हाय ऊँट पे बैठ के समंदर कितना प्यारा नजर आता है। क्या? हाँ जानू फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें एक ऊँट लेके दूंगा। शट अप नबील। ओ यार छोड़ सस, और तुम लोग लड़ना बंद करो और इसमें ये बताओ कि हमारा फ्लैट किधर है, ताकि हम अपने बीवियों के साथ उधर जाके रहेगा और कभी कभी चौकीदारी भी करेगा। शेर खान ये वाला तुम्हारा प्लॉट है, ये वाला। पर मेरा? जानू तुम्हारा ये वाला तुम्हारा। नहीं ये मैं लूंगी मुस्तकीम। नहीं ये प्लॉट पहले मैंने पसंद किया था, माज ये मैं लूंगी मुस्तकीम। मुझे पता है कि आप बहुत तंग दिल है। अच्छा तो फिर ये ले। अमारी ये क्या कर रही? यार तुमने तो हमारा प्लॉट का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। कोई बात नहीं यार, ये तो सिर्फ नक्शे की कॉपी थी। और यार एक बात तो बताओ, तुम हमारा इस हाउसिंग स्कीम का रिश्तेदार मिश्तेदार नहीं बनाएगा? रिश्तेदार? हाँ यार, वरना लोग हमारा प्लॉट खरीदेगा कैसे? ठीक है खान साहब, लेकिन इश्तेहार के लिए 10-15 लाख रुपया लगेगा। वो तुम पैसे में से का फिक्र मत करो, तुम किसी खूबसूरत लड़की के साथ इश्तेहार बनवाओ। शेर खान मैं खूबसूरत को इश्तेहार में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। और यार ये खूबसूरत नहीं, कोई और खूबसूरत लड़की। अरे नबील अभी हम इश्तेहार कैसे बना सकते हैं यार, अभी तो हमने जमीन खरीदी ही नहीं है। अरे क्या हो गया महमूद साहब, समझे ना, कोई मसला नहीं है, बना लेंगे इश्तेहार, केबल पे चलवाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, समझ गए ना। बनाते हैं इश्तेहार, बनाते हैं। हेलो तुम इधर बैठो, हम इश्तेहार देके अभी आए। हाँ आप एक काम करें, आप पराठे के साथ में सवार खाएं, हम लोग आते हैं अभी। आए शेर खान अपनी नसवार की डिब्बी तो दे। मामू साहब मुबारक हो आपको, मैंने डीके की जिम्मेदारी लगाई थी। डीके कौन है? अरे दानिश खाजा, इश्तेहार दिया था उसको, हिट हो गया इश्तेहार, हिट हो गया। नबील अब हम करेंगे क्या? करना क्या है, हाउसिंग सोसाइटी के फॉर्म बेचेंगे यार 20-20 हजार में। और नबील अगर उस जमीन का असल मालिक आ गया तो? अरे उसके आने से पहले हम शेर खान और बाकी लोगों के पैसे लेकर रघु चक्कर हो जाएंगे। वाह क्या शैतानी दिमाग है तुम्हारा। अच्छा ये बताओ कि वर्ल्ड टूर के पैसे निकाल के इसमें मेरा कितना हिस्सा बनेगा नबील? कौन सा हिस्सा भाई, सारा प्लान मेरा, सारी मेहनत मुशक्कत मेरी। अरे मेरे ही दोस्त को लूट कर पैसा बना रहे हो और मुझे ही कह रहे हो कि मुझे हिस्सा नहीं दोगे? और दे दूंगा लालची आदमी, मेहनत कर, हसद ना कर। आ जाते हैं मुंह उठाकर, वो भी इतना बड़ा मुंह, पता नहीं कैसे उठा देते। इतने बड़े मुंह से टक्कर मार दूंगा तुझे मैं। मुसा मेरी पसली नहीं तोड़नी आपने इस मुंह से। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी बलें।
नहीं पता था कि इस लाइन में इतना पैसा है। अरे शेर खान, एक दफा कंस्ट्रक्शन शुरू होने दो, फिर देखो हम पैसे से खेलेंगे। मैं आपको इन पैसों से जुआ नहीं खेलने दूंगी वहीद मराठ। अरे हम जुआ नहीं खेलेंगे यार। तो क्या इन पैसों के जहाज बना के उड़ाएंगे? ओ यार माँ जी, महमूद साहब आप लोग तो चुप करे ना यार। जानू ये पैसे अलमारी में रखो, पकड़ो ये, पकड़ो 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 पकड़ो। हाँ जी, क्या हाल है तुम सब लोगों के? भट साहब, भट साहब, ये आइडिया जो ना इस घटिया इंसान का था। भट साहब, मैंने तो एक भी फॉर्म नहीं बेचा। जी भट साहब, मैंने तो नबील को समझाने की बहुत कोशिश की थी। और यार हमको तो यहाँ पर महमूद और नबील ने बुलाया था कसम से। और यार मैं तो यहाँ प्लॉट बुक करने आया था। और यार मैंने टीवी पर एड देखा था, मैंने भी एक फॉर्म खरीदना है। अरे वाह भट साहब वाह, जानू जाओ 400 गज वाले प्लॉट का फॉर्म लेके आओ भट साहब के लिए। जाओ जाओ चावल ले आओ। लाए जी भट साहब, पैसे निकाले। और दे दूंगा यार, बेतुबारिया ले लेना अगले हफ्ते। और नहीं भट साहब नहीं, उधार मोहब्बत की कैंची है, लाइए निकालिए निकालिए। यार बड़ा लंबा आदमी है तू भट साहब। मैंने करोड़ों रुपया इसमें रख दिया है। बस अब इसको लॉक करके चाबी मुझे दे दो। और नहीं नहीं, मुझे इस चड़ैल पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे बस करो मोमो, आज हम यहाँ से भाग जाएंगे। मैं नहीं भाग सकती, मेरे लिए रक्षा मंगवा दीजिएगा। मैं रक्षे की बच्ची, हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। हाँ, मगर इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए। किस बात की? अरे ये वर्ल्ड टूर वाली बात यार। आहिस्ता बोले यार, शेर खान सुन लेगा बाहर। आज रात के बाद हम लोग की जिंदगियां बदलने वाली है जानो। नबील सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मेरा ख्याल है जानू पेरिस चलते हैं, वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देख लेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना, वो लंदन में है जाल। गॉड, आप लोगों के साथ साथ मैं भी पागल हो जाऊंगी मुझे लग रहा है। फिर हम तुझे पागल खाने भेज के नबील की दूसरी शादी करा देंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है माँ जी। अरे चलो मोमो, हम भी चल के अपनी पैकिंग करें। हम अपने आप को किस चीज में पैक करेंगे? यार तुम लोग देख सका ना क्यों निकला है? मैं तो बस अब पेरिस जाके खाऊंगी। वो माँ जी पेरिस कैफे की बात कर रही हैं, बहुत अच्छा कैफे है। बिल्कुल सही कह रही है खूबसूरत माँ जी, आप आराम से खाना खाएं, कल चलेंगे वहाँ। कल हम सब बाहर जाएंगे जश्न मनाने। बच्चों तुम एक बार सो तो सही, हम भाग जाएंगे। कोई किधर भागोगी? वो दो किलोमीटर भागे आज से मैं और मोमो। क्या? वो पेट बहुत निकल आया ना हमारा इसीलिए। तो यार आप लोग प्लीज शेर खान को पेट भर के खाना खाने दे। पेट भर के अगर शेर खान खाना खाएगा तो नींद उसको बहुत अच्छी और गहरी आएगी। हाँ ये गहरी नींद सोएगा जब भी, तो हम जा सकेंगे। यार सच सच बताओ तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? ओ यार खान साहब, माँ जी का मतलब ये है कि जब तक आप जाग रहे हैं हम लोग कैसे सो सकते हैं? हाँ, तुम हमारे मेहमान हो आखिर। ओ यार महबूदा, तुम तो बहुत मेहमान नवाज हो गया यार। अभी हमारे को नींद आता है और हमको बहुत जोर से आ रहा है। तो जाके कर ले। इसका मतलब है कि जाके सो जाए। नींद नींद ले, नींद ले अपनी। जाए जाए का नाम माना करे, बंड में बंड कर दी आप। और क्या मेरे पापा क्या? हाँ खूबसूरत के पापा गुजर गए हैं ना। What? यार बहुत अफसोस हुआ है, फिर हम भी चलते हैं। और तू पेरिस जाकर क्या करेगा? खामखा यहाँ वहाँ नसवार थूकता फिरेगा। इसका बाप पेरिस में मरा है? नहीं नहीं शेर खान, मरा तो वो लाहौर में ही है, लेकिन उस शौकीन आदमी की वसीयत थी कि मुझे पेरिस में दफनाया जाए। हाँ इसीलिए तो हम उनकी मैयत को पेरिस लेकर जा रहे हैं। चलो भी चलो, देर हो गई। तुम लोग इस वक्त किधर जा रहे हो?
ये साथ में चिरबुल्लू कौन है? महमूद साहब बट साहब का रिश्तेदार होगा, फॉर्म लेने आया होगा। बट साहब एक्चुअली दरअसल ये है कि हम लोग जा रहे हैं, आप फॉर्म ना शेर खान से ले लीजिएगा। हमसे? एक मिनट, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो फ्रॉड करके? फ्रॉड? हाँ, जिस जमीन को तुम अपना समझ के ना हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हो वो जमीन मेरी है। और तुम सब लोगों का पैसा लेकर फरार हो रहे थे। वो तुम लोगों ने हमारे को एक दफा फिर बेवकूफ बनाया, हम तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। चलो बाकी हिसाब चल के थाने में करना। और थाने का हिसाब तो बाद में होएगा, पहले हम अपना हिसाब तो चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल